Midday awards here, and I'm so happy that I'm being called and being awarded for different things jo bhi main karti hoon, and today I am receiving an award for best debut on OTT, that is for my Doon Kant, and I'm so happy. Yes. अभी तो recently ढोला release हुआ है my music video, and I know like everybody is loving that, and मैं खुद ही गुनगुनाती रहती हूँ, and I'm hearing like people are also saying that. So happy for that. And Zakhm, as everybody knows, I completed shooting for that, और अभी post में है, और can't keep my calm कि वो कब release होगा. I think within a month वो release हो जाएगा. I'm just getting the info from insides, so I'm so excited for that. Zakhm on MX Player. That's an MX original series. Yeah. Mera influencer kaun hai? Real and real life ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा. It's जो भी मैं off camera हूँ वो मैं on camera हूँ. I just become the character. जो भी मैं act करती हूँ अपने projects में, that's the only thing. And influencer, I think I don't get influenced that easily, I would say. There are certain things which people take from me. I think making that mark that people start following you, that is the best ability of an influencer. So मैंने अभी तक किसी को ऐसे follow नहीं किया. There are people who have followed me. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ और वो एक्साइटमेंट फील कर पाऊँ जो हर एक्टर करता है अवार्ड नाइट पे, नए लोगों से मिल पाऊँ, अपने नए आर्टिस्ट से जो इस इंडस्ट्री में है इंस्पायर हो पाऊँ, सीख पाऊँ कुछ. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट नाइट. मेरी लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इंस्पायर करते हैं मेरे पापा और मेरे मम्मा, सबसे बड़े रोल मॉडल्स, और जिनसे मैं हमेशा इंस्पायर होती आई हूँ और इन्फ्लुएंस तो होती ही रहती हूँ, ऑब्वियसली अच्छी अच्छी बातें सीखती रहती हूँ. फर्स्टली हाय एवरीवन, इतने टाइम से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, सो हैट्स ऑफ एंड क्यूडोस टू यू ऑल. रियली आई वांट टू क्लैप फॉर यू ऑल. हाँ, 3 बजे से जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि दिस होल थिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, उन्हें एक रिकग्निशन दिया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने कहा कि अब जो हम जिस जनरेशन में आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया है जो चीज़ों को बढ़ाती भी है, उन्हें घटाती भी है, तो इन्फ्लुएंसर्स इन अ पॉजिटिव वे इन्हें एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमारी आगे की जनरेशन जो हो वो हम ही से इन्फ्लुएंस होने वाली है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. सो आई हैव वेरी रियल लाइफ हीरोज एक्चुअली, तो और मेरे दिमाग में जो इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत रियल लाइफ है. मुझे लगता है कि मैं मेरी कुक से भी इन्फ्लुएंस होती हूँ, और मैं मतलब एक आम इंसान से भी हम सब इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. तो फॉर मी दोज आर माई हीरोज, एंड ऑनेस्टली क्योंकि द काइंड ऑफ हार्ड वर्क हम सब के पास, वी हैव द लग्जरी, वी हैव द गाड़ी और व्हाटएवर, बट द काइंड ऑफ लाइफ्स दे लिव और जो पॉजिटिविटी और जो ऑप्टिमिज्म वो लोग कैरी करते हैं, वो कैरी करना बहुत मुश्किल है. एट दिस पॉइंट आप लोग मुझे भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, सो आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ हीरोज विच आर रियल लाइफ हीरोज. सो जी आई फील वेरी ब्लेस्ड, और मुझे भगवान की कृपा है, कुछ मैजिकल है, क्योंकि ऐसे 14 साल कंप्लीट करना और उतना ही प्यार, उतना ही एक्साइटमेंट आज भी लोगों के दिलों में, मतलब जितना प्यार हम सबको मिला है उस शो में, और आई थिंक ये भगवान की कृपा है. सो आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड, एंड ऑफ कोर्स थैंक द ऑडियंस फॉर बीइंग देयर सो लॉयल, इतनी लॉयल्टी, सो थैंक यू.